हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मूवीज 360 एक्सप्लेन। और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी डार्क टाइड को, जो 2012 में रिलीज हुई है। ये एक शार्क सर्वाइवल मूवी है। दोस्तों, मैंने ऐसी ही और भी शार्क सर्वाइवल मूवी को एक्सप्लेन करा हुआ है, तो उन्हें आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और अब बिना टाइम को वेस्ट किए चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, जो कि है चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर करने की। मूवी स्टार्ट होती है और हम केप टाउन के एक साहिल को देखते हैं, जहां जेफ अपनी शार्क की डॉक्यूमेंट्री के लिए मूवी बना रहा होता है, जहां उसकी वाइफ केट, जो कि एक ड्राइवर भी होती है, वो शार्क्स के बारे में बता रही होती है। दरअसल वो लोगों को शार्क्स के टूर भी कराती थी, जिसमें लोग केज के अंदर रहकर शार्क्स को देखते थे और वो खुद केज से बाहर शार्क्स के साथ स्विमिंग किया करती थी। अब वो लोग एक शार्क को ढूंढ रहे थे जिसके साथ वो स्विम कर सकें और जेफ अपनी डॉक्यूमेंट्री उसे दिखा सके। और यहाँ हमें थेम्बा से भी इंट्रोड्यूस कराया जाता है, जो केट के साथ होता है ड्राइविंग के वक्त, ताकि वो पानी के अंदर दूर से उसकी सेफ्टी पर नजर रख सके। अब वहाँ एक शार्क आ जाती है और टॉमी चारा गिराकर उसे बोट की तरफ बुलाता है, लेकिन वो शार्क काफी अग्रेसिव होती है और थेम्बा केट को उसके साथ स्विम करने से मना करता है। अब वो दूसरी शार्क का वेट करते हैं और थोड़ी देर में दूसरी शार्क आ जाती है, जो बहुत काम होती है, और वो उसके साथ स्विम करने का डिसाइड करते हैं। अब वो डाइविंग सूट पहनकर पानी में जाने लगती है और थेम्बा उन्हें वार्न करता है कि उस पहली वाली शार्क से बचकर रहना, क्योंकि वो भी वहीं पास थी। अब जेफ भी अपना कैमरा लेकर पानी में आ जाता है और थेम्बा पानी से नीचे चला जाता है, ताकि वहां से वो चारों तरफ नजर रख सके। अब केट देखती है कि वो शार्क उसके पास आ गई है, तो वो उसे टच करने की कोशिश करती है, ताकि शार्क को लगे कि वो उसके लिए खतरा नहीं है, लेकिन वो शार्क उससे डर कर हट जाती है। अब तभी केट के पास वो अग्रेसिव वाली शार्क आ जाती है, लेकिन केट उसे अपने पास से हटा लेती है। अब वो शार्क केट के पास से हटकर थेम्बा के पास जाती है। थेम्बा उसे हटा देता है, लेकिन वो देखता है कि वो शार्क केट की तरफ बढ़ रही होती है और केट सांस लेने के लिए पानी के ऊपर होती है, तो थेम्बा उस शार्क को रोकने बढ़ता है, लेकिन वो शार्क पलटकर थेम्बा पर ही अटैक करके चली जाती है। अब केट और जेफ दोनों थेम्बा के पास पहुंचते हैं और उसे ऊपर ले जाने ही वाले होते हैं कि तभी वो शार्क वापस आ जाती है और इस बार थेम्बा को अपने मुंह में पकड़कर वहां से ले जाती है। अब जेफ और केट दोनों ऊपर बोट पर आ जाते हैं और केट पूरी तरह से शॉक में होती है। अब हम एक साल के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ केट अभी भी उस हादसे से उभरी नहीं होती है और वो अब शार्क डाइविंग छोड़कर टूरिस्ट को अपनी बोट टूर कराती थी बस। अब हम जूकी से मिलते हैं, जो कि थेम्बा की वाइफ थी और वो टूरिस्ट की बुकिंग्स किया करती थी। जूकी उसे बताती है कि आज फिर बैंक से नोटिस आया है उनके ड्यूज पूरे करने का, वरना वो हमारी बोट को अपने कब्जे में ले लेंगे। और वो एक गुड न्यूज बताती है कि आज हमें एक टूर के लिए 3 लोग मिल गए हैं। और जूकी ये भी बताती है कि जेफ की कॉल आई थी, वो कह रहा था तुमसे कोई अर्जेंट बात करनी है उसे। दरअसल उस हादसे के बाद से केट बहुत चेंज हो गई थी और उसे लगने लगा था कि उसकी वजह से थेम्बा की जान गई है और इसी वजह से उसने जेफ को भी छोड़ दिया था। अब वो उस फैमिली को टूर के लिए लेकर निकल ही रही होती है कि तभी वहाँ जेफ भी आ जाते हैं और वो भी उनके साथ टूर के लिए निकल जाता है। अब वो अपने टूर को स्टार्ट करते हैं और बच्चा कहता है कि मुझे शार्क्स देखनी है। केट कहती है कि अगर दिन अच्छा हुआ तो वो आपको जरूर दिख जाएगी। अब उन्हें आगे जाकर एक वेल दिखाई देती है और वहाँ उन्हें बहुत सारे पेंगुइन्स भी दिखाई देते हैं। और कुछ देर बाद आगे जाने के बाद वहाँ उन्हें सील से भरा पूरा एक आइलैंड दिखता है। फिर वो शाम तक अपना टूर करके वापस आ जाते हैं। अब जेफ केट को बताता है कि उसके पास एक ऑफर है जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और उससे वो बैंक का लोन आराम से पे कर सकती है, लेकिन केट उसके साथ काम करने से मना कर देती है, क्योंकि उसे यही लगता था कि अगर वो जेफ के साथ उस मूवी पर काम ना करती तो थेम्बा अभी जिंदा होता। जेफ कहता है कि अगर तुम्हें बैंक के लोन्स पे करने हैं तो कल तक मुझे कॉल करके बता देना तुम्हें वो काम करना है या नहीं। फिर वो वहां से चला जाता है। अब जूकी भी केट को समझाने लगती है कि तुम्हें वो ऑफर मान लेनी चाहिए, हमारे पास बोट को बचाने का और कोई रास्ता नहीं है। जूकी उसे कहती है कि थेम्बा की मौत ना तुम्हारी वजह से हुई है और ना किसी और के, वो अपना काम करते हुए मरा, इसलिए तुम वो सब भूल जाओ और उसकी ऑफर मान लो। और केट फिर वहां से चली जाती है। अब नेक्स्ट डे केट जेफ से मिलने जाती है, जहाँ विलियम ब्राडी और उसका बेटा ल्यूक भी होते हैं। असल में जेफ इन्हीं से केट की डील कराना चाह रहा था। ब्राडी को ग्रेट व्हाइट शार्क के साथ स्विम करना था और इसके लिए केट ही उसका बेस्ट ऑप्शन थी, लेकिन केट इसके लिए मना कर देती है, क्योंकि एक साल से किसी को भी डाइविंग्स नहीं करा रही।
अब्रैडी उसे 1,00,000 यूरो की ऑफर करता है कि बस कुछ देर के लिए उसे केज से बाहर स्विम करना है और जेफ उसकी पिक्चर्स लेगा और बस फिर वो वापस आ जाएंगे क्योंकि उसे परसों तक वापस लंदन जाना है। लेकिन केट ये ऑफर भी मना कर देती है। वो कहती है कि वो उन्हें बस बोट का टूर करा सकती है और केज के अंदर रहकर ही शार्क्स दिखा सकती है। तभी जेफ ब्रैडी को मैसेज करता है कि तुम बस बोट से समंदर में जाने की डील कर लो, बाकी वहां जाकर मैं सब अरेंज कर लूंगा। अब ब्रैडी केट की बात मान लेता है और केट अग्री कर जाती है उन्हें ले जाने के लिए। अब नेक्स्ट मॉर्निंग ये सब निकलने की तैयारी करने लगते हैं और यहाँ केट बताती है कि उन्हें ऑक्सीजन टैंक्स की जरूरत नहीं है क्योंकि शार्क्स को बबल्स पसंद नहीं। फिर ये लोग अपने टूर पर निकल जाते हैं। अब केट एक स्पॉट पर आकर बोट को रोक देती है और वहां वो केज को पानी में उतार देते हैं। फिर टॉमी पानी में ब्लड डालने लगता है शार्क्स को बुलाने के लिए। अब कुछ देर वेट करने के बाद एक शार्क वहां आ जाती है और केट उसे देखने लगती है कि वो अग्रेसिव तो नहीं है और वो बताती है कि शार्क्स आपकी हार्ट बीट तक फील कर सकती है कि आप नर्वस हो या नहीं। अब वो रेडी हो जाते हैं और सूट पहनकर केट और जेफ पानी में चले जाते हैं और जेफ अपना कैमरा लेकर एक पोजीशन ले लेता है। अब केट आसपास का जायजा लेने लगती है और वहां कुछ सील्स भी स्विम कर रही होती हैं और लूक पानी के अंदर कैमरा से पिक्चर्स लेने लगता है। लेकिन काफी देर तक देखने के बाद केट वापस ऊपर आ जाती है और बताती है कि वो शार्क यहाँ से चली गई है। अब वो सब ऊपर आ जाते हैं और उसके बाद केट टॉमी को एक लॉन्च पैड पानी में छोड़ने को कहती है और फिर वो उनके साथ बोट को स्टार्ट करके सर्कलिंग करने लगते हैं। तभी उसको फॉलो करते हुए एक सील आ जाती है और तभी वहां एक शार्क उस सील पर अटैक कर देती है और उसे खा जाती है। अब केट बोट वहीं रोक देती है। अब वो चारा डालकर शार्क को बोट के पास बुलाते हैं और फिर सब वापस से सूट्स पहनकर पानी में चले जाते हैं और इस बार केज में बस ब्रैडी ही जाता है और ल्यूक बोट पर ही रुक जाता है। अब केज शार्क को काम करने के लिए उसके साथ स्विम करने लगती है और जेफ ये सब रिकॉर्ड करने लगता है। अब ये सब देखकर ब्रैडी बेसब्रा हो जाता है और वो केज खोलकर शार्क की तरफ बढ़ने लगता है और केट ये देख लेती है और वो उसे रोकने बढ़ती है। तभी हम देखते हैं कि शार्क पलटकर ब्रैडी पर अटैक करने ही वाली होती है कि सही टाइम पर केट आ जाती है और वो शार्क को हटा देती है और उसे वापस से केज में जाने का बोलती है। फिर वो सब ऊपर आ जाते हैं और केट ब्रैडी पर गुस्सा करती है कि मैंने केज से निकलने को नहीं कहा था। तो ब्रैडी उसे जेफ का मैसेज दिखाता है कि जेफ ने मुझे कहा था कि वो कर देगा सब अरेंज। अब केट और जेफ में बहुत बहस होने लगती है। फिर जेफ उससे कहता है कि तुम्हारी ये बोट है, तुम्हारी मर्जी है अगर वापस जाना है तो। केट जो कि बहुत गुस्से में होती है वो वापस जाने के बजाय अब शार्क एली ले जाने लगती है उन्हें, जहां उससे भी बड़ी और खतरनाक शार्क्स हैं, ताकि ब्रैडी का दिमाग अब ठिकाने आ जाए। अब वहां पहुंचने से पहले ब्रैडी केट से अपने बिहेवियर के लिए सॉरी करता है और कहता है कि अब वो ऐसा नहीं करेगा। अब वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं और फिर सब स्विमिंग सूट पहन लेते हैं। टॉमी बताता है कि यहाँ 3 शार्क्स हैं। अब केट ब्रैडी से केज के बगैर पानी में चलने का कहती है, लेकिन वो अब डर चुका था और कहता है कि वो केज में ही रहेगा और जब देखेगा सब सेफ है तब निकलेगा। फिर केट और जेफ पानी में चले जाते हैं और वो देखते हैं कि उनकी बोट के पास 3 शार्क स्विम कर रही हैं। अब वहां शाम हो चुकी थी और अब ब्रैडी भी केज में जाकर पानी के अंदर आ जाता है। वहां पानी का प्रेशर काफी होता है तो केज पानी में स्टेबल नहीं हो रहा होता। तभी टॉमी नोटिस करता है कि उनकी बोट ड्रिफ्ट कर रही है तो वो केज को पानी से बाहर निकालने लगता है, लेकिन उसके गियर्स अटक जाते हैं जिससे केज ऊपर नहीं आ पाता। अब शाम होने की वजह से पानी और भी खतरनाक हो गया था। अब पानी में केज समझ जाती है कि कुछ गड़बड़ है तो वो ब्रैडी को केज से निकलकर ऊपर जाने के लिए बोलती है, लेकिन केज ओपन नहीं हो रहा होता। तभी केज की रस्सी टूट जाती है और केज नीचे गिर जाता है और तभी एक बड़ी वेव बोट से टकराती है जिससे बोट पूरी पलट जाती है। अब ल्यूक बोट के अंदर केबिन में फंस चुका था और टॉमी बाहर पानी में ही होता है तो वो स्विम करके पलटी हुई बोट पर आ जाता है और नीचे केट ब्रैडी को केज से निकाल लेती है, लेकिन वो देखती है कि शार्क्स उनके ऊपर घूम रही है। फिर हम देखते हैं कि जूकी कोस्ट गार्ड्स को कॉल करके उन्हें केट की बोट को सर्च करने का कहती है क्योंकि काफी पहले ही उन लोगों को वापस आ जाना चाहिए था। अब शार्क्स वहां से हट जाती हैं तो केट ऊपर आ जाती है और टॉमी उसे कहता है कि मेरे हाथ और बॉडी फ्रीज हो गए हैं ठंड से। तो केट उसे पकड़कर बोट के ऊपर करती है और तभी हम देखते हैं कि एक शार्क उनके पास स्विम कर रही होती है और अब जेफ और ब्रैडी भी साथ साथ ऊपर आ जाते हैं। अब वो सभी बोट का सहारा लेते हैं और ब्रैडी लूक का पूछता है कि वो कहाँ है। टॉमी बताता है कि वो कैबिन में था। अब केट उसे चेक करने के लिए जाती है और वो उसे अंदर ढूंढने लगती है, लेकिन वो उसे कहीं भी नहीं दिखाई देता। तभी हम लूक को ऊपर देखते हैं जो लाइफ जैकेट की मदद से पानी के ऊपर ही होता है और उसे देखकर ब्रैडी उसे बचाने चला जाता है। अब केट भी ऊपर आ जाती है और वो लाइफ राफ्ट ढूंढने लगती है। अब शार्क ल्यूक पर अटैक करने ही वाली होती है कि ब्रैडी वहां आ जाता है और शार्क वहां से हट जाती है और ल्यूक ने स्विम सूट नहीं पहना होता तो उसकी बॉडी भी फ्रीज हो गई थी। अब ब्रैडी उसे पकड़कर बोट की तरफ लाने लगता है।
और बोट पर टॉमी आधा पानी में होता है और उसकी बॉडी भी फ्रीज हो चुकी थी। तभी एक शार्क उस पर अटैक करके उसकी आधी बॉडी खा जाती है। अब ब्रैडी की हेल्प करने के लिए जेफ भी पहुंच चुका होता है। वो ल्यूक को लेकर जाने लगता है और बोट पर पहुंच कर वो टॉमी को होश में लाने लगता है, लेकिन वो देखता है कि टॉमी की आधी बॉडी शार्क खा चुकी है। ब्रैडी एज से ज्यादा होने की वजह से काफी थक गया था, तो वो थोड़ी देर वहीं पानी में रेस्ट करने लगता है और तभी एक शार्क उसके पास सर्कलिंग करने लगती है और मौका मिलते ही अटैक करके उसे खा जाती है। अब जेफ टॉमी की बॉडी को बोट से दूर कर देता है क्योंकि उसकी बॉडी से काफी ब्लड निकल रहा था, जिससे और भी शार्क्स वहां आ सकती थी। अब केट लाइफ राफ्ट के पास पहुंच जाती है और तभी एक शार्क उसके पास सर्कलिंग करने लगती है और केट समझ जाती है कि वो उस पर अटैक जरूर करेगी। और जैसे ही वो अटैक करती है तो केट उसे हटा देती है और जब वो चली जाती है तो वो लाइफ राफ्ट को ओपन कर देती है और फिर उसके ऊपर चढ़ जाती है। फिर वो लूक और जेफ के पास पहुंच जाती है और वो दोनों भी लाइफ राफ्ट पर चढ़ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और वो तीनों देखते हैं कि उन्हें रेस्क्यू करने के लिए एक हेलीकॉप्टर वहां आ चुका है। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहां केट और जेफ अपनी डॉक्यूमेंट्री को कंप्लीट कर चुके थे। और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी यहां पर ख़त्म हो जाती है। सो गाइज, ये थी मूवी डार्क टाइड की एक्सप्लेनेशन और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको और भी शार्क या किसी और एनिमल मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मुझे कॉमेंट में ज़रूर मैंशन कर दें। तो इस वीडियो में गाइस बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आया हो तो इस वीडियो पर लाइक और कमेंट जरूर करना और ऐसी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। और अगर आपको किसी मूवी या सीरीज की एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूलना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।